और मैं पढ़ा को तुम कैसे हो? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। देखिए, हमने लास्ट क्लास में लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा था। उसे मैं लिखता हूं पहले। लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़े थे बेटा, 1/f = म्यू माइनस 1/r1 - 1/r2, ये पढ़ा था बेटा, ठीक है। तो इसमें याद की गई ये जो चीज है इसकी बात करें, ये वाला पार्ट, ये चीज जो है वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो होता है ये पॉजिटिव आएगा, पक्की बात ही है, ठीक है। ये नहीं मतलब है कि प्लेनो कॉन्वेक्स है, कैसा कॉन्वेक्स है, या कॉन्केवो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस है तो वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और कॉन्केव लेंस के लिए वो वाली चीज जो है वो निगेटिव होता है, ठीक है, समझ में। तो ये चीज होती है, ये वाली जो चीज है वो पॉजिटिव आएगी कॉन्वेक्स लेंस के लिए और निगेटिव आएगी कॉन्केव लेंस के लिए, ठीक है। इसके बेसिस पे कुछ चीजें मैं और दिखाता हूं आपको, इसे नोट कर लीजिए बिटाते बेटा। जैसे हम कहें कि मान लो हमने कहा कोई ये लेंस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो ए है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लीजिए बी है, ठीक है। तो अगर मैंने कहा इंसिडेंट रे, ध्यान देना, इंसिडेंट रे इधर से आ रही है, इंसिडेंट रे ये है, मतलब इंसिडेंट रे इधर से आ रही होगी। तो इंसिडेंट रे अगर इधर से आ रही है तो फॉर्मूले में जो R1 होगा वो क्या होगा, R1 जो होगा वो पहले सरफेस को बोलेंगे, R2 सेकंड सरफेस। तो इधर के लिए पहला सरफेस ही हो गया, तो R1 क्या होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ध्यान देना, इसके लिए जो सेंटर होगा वो यहां कहीं होगा, तो इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी R1 क्या आएगा, प्लस है। R2 की बात करें बेटा, R2 मतलब सेकंड इधर से जाते समय सेकंड सरफेस ये हुआ, तो सेकंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां होगा, तो जो सेकंड सरफेस है आप पोल से आप मेजरमेंट इधर तरफ करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। पहले इस वाले सरफेस के लिए R1 के लिए हमने क्या किया था, यहां से इधर तरफ मेजरमेंट, यानी पॉजिटिव इधर ही हो गया था, ठीक है, क्योंकि अगर रेज इधर जा रही है तो प्लस एक्स ही हमारे लिए पॉजिटिव है, ठीक है। R2 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस पी, क्लियर। हम मानते हैं मान लो इंसिडेंट रे इधर से आ रही है, तो बेटा ध्यान देना इस बार माइनस एक्स हमारे लिए पॉजिटिव हो गया, तो पहला सरफेस अब इस बार ये बी वाला होगा, तो आर वन जो होगा, आर वन देखो ध्यान से ये पॉजिटिव प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और आर टू जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ए। क्यों माइनस ए, क्योंकि जब रे इधर जा रही है तो ये पॉजिटिव हो गया, और सेकंड सरफेस क्या है, तो इसके लिए आप रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस साइड में मेजरमेंट करेंगे, इसलिए आर टू क्या होगा, माइनस ए होगा, ठीक है। तो आपने ये ध्यान दे दिया कि इंसिडेंट रे किधर से आ रही है उसके हिसाब से आर वन आर टू क्या होगा, और इंसिडेंट रे दूसरी तरफ से आ रही है तो उसके लिए आर वन आर टू क्या होगा, उन्होंने लिख लिया, ठीक है बेटा, इसे नोट कर लीजिए। इसे बताता हूं बेटा, चलिए देखिए, अब हम बात करें कि एग्जाम्पल लेके हम करते हैं, ज्यादा सही रहेगा। मान लीजिए हमने कहा कि एक लेंस है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं इक्विकॉन्वेक्स है, इक्विकॉन्वेक्स होता है R1 R2 बेटा बराबर होता है, ये याद रखना, बताया गया, ठीक है। और मान लीजिए यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दे रहा है 20 सेंटीमीटर,
ठीक है, यहाँ पे जो म्यू है वो 1.5 दे रहा है। तो चलिए लिखते हैं, पहला तरीका क्या होता है? अच्छा दोनों तरफ से बराबरी आएगा लिखे, मतलब अब चलिए इसका अभी अलग अलग जब रेडिएशन पर चलेंगे तब दोनों तरफ से करेंगे, अभी सिंपल सा देख लेते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू क्या आता, म्यू माइनस 1/r1 - 1/r2। ठीक बेटा, यहां के लिए मैं वैल्यूज लिख लेता हूं पहले कि म्यू कितना 1.5 है, 3/2 कह दो, ठीक है। आर वन अब इधर से देख ले तो R1 + 20 और R2 - 20 आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करिए बेटा, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू कितना 3/2 - 1, ये आ जाएगा 1/20 - 1/-20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 - 1 कितना 1/2, और 1/20 + 1/20 कितना हो जाएगा 2/20 लिखते चाहे तो ऐड करके, ठीक है, 2 कट गया। तो यहाँ से f कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए, फोकल लेंथ ऑफ दिस इक्विकॉन्वेक्स लेंस विल बी 20 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, ये हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। मिटाता हूं मैं इसे, तो एक और एग्जांपल करते हैं। अब क्या करते हैं हम, इस बार जो लेते हैं वो अलग अलग रेडियस ले लेते हैं बेटा। इसका हम रेडियस 30 ले लेते हैं, 30 सेंटीमीटर, इसका ले लेते हैं 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा म्यू की वैल्यू हम वही लेते हैं 1.5, ठीक बेटा। अब यहां पे देखो फर्क पड़ेगा, इस बार इक्वी कॉन्वेक्स नहीं बाई कॉन्वेक्स, दोनों कॉन्वेक्स सरफेस है लेकिन रेडियस अलग अलग है, ठीक है। तो अब हम इसके लिए लेते हैं, हम पहले इंसिडेंट रे इधर से लेते हैं, इंसिडेंट रे इधर से गई, ठीक है बेटा। तो इंसिडेंट रे इधर से गई, तो इधर से अगर रे जा रही तो पहला सरफेस 30 वाला हुआ, सेकंड सरफेस 40 वाला हुआ, तो R1 कितना हुआ, R1 जो है वो +30 होगा, ठीक है, और R2 कितना होगा -40, ठीक है बेटा। म्यू की वैल्यू 1.5 है, चलिए रखते हैं 1/f इज इक्वल टू म्यू, म्यू कितना 1.5 - 1, 1/r1 - 1/r2। इसे सॉल्व करो बेटा, कितना आ जाएगा, ये 0.5 आ जाएगा, ये कितना, एलसीएम ले लो, फिर से एलसीएम नहीं हम सीधे इसका ले ले रहे हैं, चलो 120 आएगा, वैसे ले लो एलसीएम, ठीक है 120 ले लिया, और ये पॉजिटिव हो चुका होगा याद रखना, तो 3, 4 यहाँ 4 आएगा और ये प्लस यहाँ 3 आएगा, ठीक है बेटा। तो ये कितना जगह देखो, अच्छा इसे 1/2 लिखते हैं हम, इसे 7 लिखते हैं और ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। देखो यहाँ से f कितना आ गया, f आ जाएगा 240/7 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ आ गया 240/7, इतना आ गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या करते हैं, हम इधर से लेते हैं, इस बार अब इंसिडेंट रे हम इधर से लेके आते हैं, तो इस वाले के लिए इस बार आर1 कितना होगा बेटा 40 वाला, अब इधर भी कितना होता +40, R2 कितना होता -30, फिर से देखिए चलिए 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/r1 - 1/r2, अब फिर से देखेंगे कितना आएगा 0.5, और ये नीचे ये भी पॉजिटिव हो चुका होगा, तो कितना है 120 आएगा, ये 3 आएगा और ये 4 आएगा, फिर से 1/2 ले लेते हैं, तो यहां से भी f कितना है बेटा 240/7 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे होंगे कि
डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, किधर से इंसिडेंट रे को ले रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इस लेंस को आप ऐसे रखिए या ऐसे रख दीजिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ओरिएंटेशन से फर्क नहीं पड़ता, फोकल लेंथ 240/7 ही आएगा दोनों के, किधर से भी आप इंसिडेंट रे लीजिए। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम क्या करते हैं, एक एक कॉनकेव कॉन्वेक्स ले लेते हैं बेटा, हम लेते हैं ये है मान लीजिए। ठीक है, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो 30 सेंटीमीटर है और इसका जो है वो 40 सेंटीमीटर है। मैं एक चीज बता दूं बेटा, इसमें पेपर कंफ्यूज कई बार वो 30-40 दे देगा, बताया नहीं रहेगा किसका है, तो उसके लिए याद रख लीजिए मोर स्ट्रेट मोर रेडियस, ज्यादा स्ट्रेट कौन सा होगा ये वाला, तो उसका रेडियस ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसका म्यू कितना होगा, वो 1.5 भी दे रहा है या 3/2 लीटर म्यू। ठीक है, म्यू की वैल्यू। ठीक है, चलिए इसके लिए निकाल के देखते हैं। इसके लिए भी दोनों तरह के तरीके से निकालते हैं। हम पहले मान लेते हैं इंसिडेंट रे इधर से आ रहा है। ठीक है, इंसिडेंट रे इधर से गई, तो इंसिडेंट रे अगर इधर से गई तो R1 पहले वाले सरफेस का कितना प्लस 30, R2 सेकेंड वाले सरफेस का, R2 भी इस बार देखें ध्यान देना प्लस 40 होगा बेटा, क्योंकि R2 वाले सरफेस के लिए उधर की तरफ मेजरमेंट होगा, क्योंकि सेकेंड वाले सरफेस का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही कहीं होगा। ठीक है, तो R1 30 है, R2 40 है, म्यू आपको पता है 3/2 है, चलिए इसलिए 1/F बराबर म्यू माइनस 1/R1 - 1/R2 आ गया। ध्यान दो, ये 1/2 आ गया बेटा, यहाँ से 120 आ गया, 4 ये आ जाएगा, 3 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दो ये कितना आ जाएगा 1/2 × 1/120, तो यहाँ से F कितना आ गया 240 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा कॉन्वेक्स लेंस देखिए पॉजिटिव आ रहा है, फोकल लेंस क्या रहा है पॉजिटिव। ठीक है, आपने अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर लेने में उल्टा कर दिया होता तो नेगेटिव आ जाता तो वो गलत हो जाता, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इंसिडेंट रे ऐसे लेके आते हैं, इंसिडेंट रे ऐसे आती है। ठीक है, तो इस बार देखो, इस बार R1 जो होगा इधर से आने पर पहला सरफेस ये पड़ा, और पहले सरफेस ये पड़ा तो इसके लिए जो है वो 40 वाला पड़ा, और इसके लिए जो पोल ये होगा मेजरमेंट आप उल्टी दिशा में करेंगे तो R1 कितना होगा -40, समझ में आ रहा है। ऐसे ही R2 कितना सेकंड सरफेस के लिए इधर मेजरमेंट करेंगे तो नेगेटिव कितना -30। ठीक बेटा, तो R1 -40, R2 -30। ठीक है, चलिए लिखते हैं 1/F = μ 3/2 - 1 1/R1 - 1/R2। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो ये 1/2 आ जाएगा, अच्छा ये प्लस हो चुका होगा ये माइनस होगा, तो ये 120 एलसीएम लो, यहाँ माइनस है तो -3 हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2 × 1/120, तो यहाँ से F कितना हो गया बेटा, F आएगा 240 सेंटीमीटर, इतना जाएगा बेटा। ठीक है, F कितना हो गया 240 सेंटीमीटर, तो आप देख पा रहे हैं इंसिडेंट इधर से आए चाहे उधर से आए, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखने में फर्क पड़ जाएगा साइन में। ठीक है, दोनों जगह देखिए साइन अलग अलग हो जाता है लेकिन वैल्यू उतनी ही आएगी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए बेटा, इसे मिटाते हैं। ठीक
ठीक है। चलिए एक और आता है, एक देख लेते हैं ना कि इसी तरह का एक ऐसा हम कॉनकेव लेंस देख लेते हैं। तो ये है, अच्छा इसका फिर से अब देखना ध्यान से, यहां पे मोल स्टेट कौन सा होगा, ये वाला, ये ज्यादा कर रहा है, ये मोर स्टेट मतलब मोर रेडियस, ये 40 सेंटीमीटर ले लिए और इस बार ये 30 ले लिए और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना है बेटा 1.5 या 3/2। तो इसमें भी करके देखते हैं, इंसिडेंट रे इधर से लेते हैं, ठीक है, तो आर वन क्या हो जाएगा, देखो आर वन इस बार पहला वाला सरफेस और उधर ही ले रहे हैं तो प्लस, यानी प्लस 42। R2 कितना हो जाएगा माइनस सॉरी प्लस 30, वो सॉरी प्लस क्योंकि सेकंड वाले में उधर की तरफ ही मेजरमेंट करते हैं, प्लस 30, ठीक है। अच्छा म्यू 3/2 है, तो चलो लिखो 1 बाय एफ इज इक्वल टू म्यू 3/2 माइनस 1 बाय आर वन माइनस 1 बाय आर टू। यहाँ देखो ये 1/2 आ गया बेटा और ये आ जाएगा 120 एलसीएम भी है, ये 3 आएगा, ये माइनस 4 आएगा, ये कितना आ गया 1/2 और ये माइनस 1/120, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एफ कितना हो गया बेटा माइनस 240। हाँ कॉनकेव लेंस से नेगेटिव आना चाहिए था, ठीक है, तो देखो नेगेटिव आ गया है, ठीक है। जब भी देखो वैल्यूज मैंने 30 40 या 40 30 ही ली है, क्योंकि पिछले बार वाले में भी हमने 30 और 40 ली थी तो वहां पे पॉजिटिव आया था, हल्का से चेंज हुआ है बस, देख रहे हैं, यानी आर्मन आर्टू अगर हमने गलती कर दी तो गलत आ जाएगा, लेकिन गलती हो भी जाए तो उसका भी तरीका है आसान। ये क्या है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में तो फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा, पिछली बार क्या था कॉनवेक्स लेंस, उसके लिए फोकल लेंथ क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके लिए देख लेते हैं, इंसिडेंट रे मान लो इधर से आ रही है, इंसिडेंट रे, ठीक बेटा इंसिडेंट रे पहला सरफेस ये पड़ेगा तो आर वन क्या होगा, अच्छा ध्यान देना इस बार रे इधर आ रही है तो दोनों निगेटिव होगा, पहले कितना 30 वाला तो माइनस 30 आ रहा है, दूसरा आर टू कितना माइनस 40 आ रहा है, ठीक, तो वही म्यू उतना ही है तो 1/f इक्वल टू म्यू कितना 3/2 माइनस 1/r1 माइनस 30 माइनस 1/r2 माइनस 40, ठीक है बेटा। तो यहाँ से ये 3/2 माइनस 1/2 आ जाएगा, नीचे से 120 आ गया, अच्छा ये पॉजिटिव हो चुका होगा, ये माइनस 4 आएगा और ये प्लस 3 आ जाएगा, तो आप ये देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 1/120, तो यहाँ से एफ कितना आ जाएगा बेटा माइनस 240 या 240 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए फोकल लेंथ निगेटिव माइनस 240 सेंटीमीटर ही आ रहा है, ठीक है बेटा। तो आपको समझ में आ गया ये गलती, मतलब गलती सॉरी कि मतलब हाँ इंसिडेंट रे किधर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं प्लेनो कॉनकेव या कॉन्वेक्स का, इसे नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। देखो हमने कहा मान लो कैसे भी रख सकते थे, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम ले लेते हैं 40 सेंटीमीटर, चलो ठीक है। अच्छा म्यू इसका जो है वो वही 3/2 या 1.5, ठीक चलो। अब देखो यहां पर इंसिडेंट इधर से रखो, ठीक है, तो R1 क्या होता है बेटा पहला वाला सरफेस, इधर वाले पहले वाले के कितना 40 प्लस 40 होता, ठीक है। अच्छा R2 कितना होता, प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है इनफाइनाइट, याद रखिएगा, तो 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, 1/infinite क्या होता है बेटा 0, तो ये कितना रहे होता है 1/f इज इक्वल टू 1/2 इनटू 1/40, f कितना हो गया
सेंटीमीटर ठीक है। मान लो हमने कहा इंसिडेंट रे इधर से आया, अब इंसिडेंट रे इधर आ रही थी पहले ये सरफेस पड़ेगा तो आर वन कितना हो जाएगा बेटा इनफाइनाइट, आर टू सेकेंड से वाला सरफेस और इधर तक मेजर करना इसलिए निगेटिव कितना माइनस 40। तो चलो लिखो 1 by f = μ - 1 1 by r1 - 1 by r2 ठीक है बेटा। ये कितना आ जाएगा 1 by 2, अच्छा 1 by infinite 0 हो गया ठीक है, ये प्लस हो जाएगा तो 1 by plus कितना आ जाएगा यहाँ से f की वैल्यू 80 सेंटीमीटर देखें। तो अब देखिए फोकल इन दोनों केस में सेम ही आया, उससे फर्क नहीं पड़ा, क्लियर है बेटा। तो ये चीज याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब क्या करते हैं, एक प्लेनो कॉनकेव लेंस ले लेते हैं ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं बेटा 30 सेंटीमीटर ठीक है। अच्छा म्यू कितना है इसका 3/2 या 1.5 ठीक है। अब चलो अच्छा एक चीज तो अब समझ में आ चुकी है कि हमें किधर से रेडियस उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो यहाँ भी कर ही लेते हैं कोई नहीं, आज के रेट में सारा वैसे ही कर लेते हैं कि इंसिडेंट रे इधर से मतलब दोनों तरफ से कर लेते हैं, आंसर दोनों के इसमें सेम आना है, लेकिन इस बार प्रैक्टिस आपको हो जाए कि आप कभी गलत ना करें, किधर से भी देख रहे हो तो आर वन आर टू सही ले। इंसिडेंट रे इधर से आ रही तो पहले सरफेस ये पड़ेगा, दूसरा सरफेस ये पड़ेगा, पहला सरफेस प्लेन है तो आर वन कितना हो गया बेटा इनफाइनाइट, चलो आर टू क्या होगा, अच्छा ध्यान देना इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उसी तरफ है तो पॉजिटिव हो जाएगा, हम चाहे इधर रहे सेंटर ऑफ कर्वेचर उसी तरफ तो पॉजिटिव हो गया, यानी कितना +30 सेकंड सरफेस का +30 हो गया ठीक है। चलो 1 by f = μ - 1 1 by r1 - 1 by r2 1 by infinite 0 हो गया, ये 1 by 2 आ जाएगा और ये -1 by 30, यहाँ से f कितना हो गया बेटा f हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना प्लेनो कॉनकेव है, नेगेटिव आना चाहिए था, आ रहा है ठीक है। इंसिडेंट रे मान लो इधर से आता, इंसिडेंट रे इधर से आ रही है ठीक है, पहले सरफेस ये पड़ रहा है तो आर वन कितना हो जाता, अच्छा ध्यान देना रेज इधर से आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर उल्टे साइड पड़ा, मतलब आप जा रहे हैं इधर की तरफ तो मतलब इस तरफ ना पड़ के उल्टे साइड पड़ गया तो आर वन क्या होना चाहिए नेगेटिव और कितना -30। आर टू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट प्लेन सरफेस ठीक है, तो यहाँ पे 1 by f = बेटा μ - 1 1 by r1 - 1 by r2 1 by infinite क्या होता है 0 ठीक है, 0 हो गया तो यहाँ से 1 by f = हो जाएगा 1 by 2 और ये -1 by 30, तो यहाँ से f कितना हो गया बेटा -16 सेंटीमीटर ठीक है, ये आपका आंसर ठीक है। लगभग सारे तरह के फोकल लेंथ लोग निकालना सीख चुके हैं देख लिए ठीक है, तो इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेटा ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं लेंस में अभी और बतानी वो मैं आगे बताऊंगा ठीक है। चलिए इतने रखते हैं तब, ओके थैंक यू बाय।